ये फोन गूगल के लिए मैजिक साबित हो सकता है, स्पेशली पिक्सल सीरीज के लिए। ये है पिक्सल 8 प्रो जिसकी कीमत है 1,07,000 रुपए। तो आज मैं आपको देने वाला हूं इसका एक रिव्यू, बहुत कुछ बताऊंगा इस फोन के बारे में, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन की। सो डिजाइन के मामले में यहां पर बहुत कुछ अलग तो नहीं है, लेकिन काफी कुछ अलग है। पहली चीज की अगर आप पिक्सल 7 प्रो से इसे कंपेयर करें तो वो थोड़ा सा बॉक्सी था, लेकिन अब एजेस से काफी ज्यादा इसे राउंड कर दिया गया है। कैमरा मॉड्यूल वैसा ही है जैसे कि लास्ट ईयर था, और पिक्सल 6 में भी हमने ऐसा ही मॉड्यूल देखा था। तो पिक्सल के साथ इस मॉड्यूल में तो कोई चेंजेस अभी गूगल नहीं करने वाला है, क्योंकि ये मॉड्यूल दिखता भी अच्छा है और दूसरे फोन से इसको काफी ज्यादा स्टैंड आउट भी करता है, डिफरेंशिएट भी करता है। अब बात करें अगर प्रोटेक्शन की और इन सब चीजों की, तो आपको फ्रंट में मिलती है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 8 की प्रोटेक्शन, और पीछे मिलती है आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की प्रोटेक्शन। IP68 रेटेड है, तो आप इसे अंडर वाटर शूट करना चाहे तो कर सकते हैं। अब अगर पोर्ट्स वगैरह की बात करें तो कोई हेडफोन जैक तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ऑलमोस्ट टाइप सी और माइक्रोफोन्स वगैरह वाले जो पोर्ट्स है सब यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। पीछे की तरफ कैमरा मॉड्यूल की तरफ जाएं तो यहाँ पर आपको कैमरा सेंसर तो मिल जाते हैं, लेकिन साथ में एक और चीज मिलती है, वो है इसका थर्मल सेंसर। उसके बारे में आगे चल के बात करेंगे। ओवरऑल डिजाइन के मामले में फोन काफी अच्छा दिखता है, काफी प्रीमियम फील देता है। मेरे पास जो कलर है ये है बे कलर, लेकिन एक और कलर में आता है जो कि है ऑब्सीडियन। अब आगे चल के अगर बात करें डिस्प्ले की, तो यहाँ पर आपको मिलती है 6.7 इंचेस की एक LTPO OLED डिस्प्ले 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। अब इस डिस्प्ले की अगर स्पेक्स की बात करें तो यहाँ पर SDR10 प्लस का सपोर्ट है, लगभग 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस को ये छू सकता है। तो आउटडोर में इस्तेमाल करते वक्त अगर इस पर HDR कंटेंट देखते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, काफी ब्राइट डिस्प्ले हो सकती है। अब बात करें अगर स्पीकर्स की, तो मुझे इसके स्पीकर्स भी काफी ज्यादा पसंद आए। एक स्टीरियो सेटअप है और जनरली पिक्सल के स्पीकर्स अच्छे ही ट्यून किए जाते हैं, और ऐसा ही कुछ इन स्पीकर्स के साथ भी है। पिक्सल 8 प्रो रन करता है टेंसर G3 पर, और ये थर्ड जनरेशन है ऑफ द टेंसर सीरीज, और यहां पर M2 का सपोर्ट भी आपको मिलता है। एक इंटीग्रेटेड चिप है जो बेसिकली सिक्योरिटी को और एनहांस करती है। अब गूगल का कहना है कि ये उनकी बनाई हुई अब तक का सबसे तगड़ा चिपसेट है, जस्ट लाइक एप्पल द मोस्ट एडवांस्ड आईफोन वी हैव एवर क्रिएटेड। लेकिन हाँ, उनका ये कहना है कि ये जो चिपसेट है ये इनकी AI कैपेबिलिटीज को 10x तक एनहांस कर सकता है, एंड वी ऑल नो कि पिक्सल कितना ज्यादा रिलाई करता है AI पर, वेदर इट्स फोटो एडिटिंग, वेदर इट्स प्रोसेसिंग। वैसे गूगल ने अपना एक फोटोज एडिटिंग प्रो टूल्स अलग से निकाला हुआ है जिसकी कीमत है 210 रुपए, और ये जो फीचर है ना ये अलग है गूगल वन स्टोरेज से। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि एक तरफ आप पिक्सल के लिए कुछ लिमिटेड फीचर्स निकाल रहे हैं, लेकिन वैसे ही फीचर्स आप अपने नॉर्मल एंड्रॉइड यूजर्स को भी दे रहे हैं एक सब्सक्रिप्शन मॉडल पर। लेकिन जो मैजिक एडिटर है वो सिर्फ पिक्सल 8 सीरीज के लिए लिमिटेड है, शायद से कुछ टाइम में वो दूसरे पिक्सल फोन्स पर भी आ जाए, और ये फीचर बहुत अच्छे से काम करता है। एक और फीचर जो मुझे इसमें बहुत ही ज्यादा काम कर लगा और जो बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गूगल ने अपने इवेंट में, वो ये है कि जब भी आप किसी फोटो पर जिसको आपने मल्टीपल तरह से शूट करा है, तो बेसिकली आपको एडिट पर जाना है, यहाँ पे टूल्स के अंदर आपको मिलता है बेस्ट टेक। तो ये फोटोज को थोड़ा सा चेक करेगा कि यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप फेस पे टैप कर सकते हैं और आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस जो हैं, अगर उसके आसपास आपने और भी इमेजेस लिए हैं तो आपको यहाँ पे दिख जाएंगी, जो आपको बेस्ट लगे वो आप यूज कर सकते हैं और मल्टीपल फेसेस पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। एक और चीज जिसको गूगल ने बहुत शोकेस किया आपने इस इवेंट पर, लेकिन वो यहाँ पर इंडिया में अवेलेबल नहीं है, और वो है इसका थर्मामीटर सेंसर या थर्मामीटर ऐप। इससे आप ऑब्जेक्ट्स का जो है टेम्परेचर चेक कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो ह्यूमन सब्जेक्ट है वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप टेबल, ग्लास, कप कुछ भी जो है चेक कर सकते थे। अभी अवेलेबल नहीं है इंडिया में, और शायद से इसके पीछे रीजन हो सकते हैं FDA अप्रूवल्स या फिर इंडिया के नॉर्म्स, और हम देख चुके हैं कि इंडिया के नॉर्म्स की वजह से पहले भी पिक्सल 4 इंडिया में नहीं आ पाया था, जस्ट बिकॉज उसमें एक रडार सेंसर था। इसलिए लेट्स होप कि ये चालू हो जाए, क्योंकि आप इसके लिए पे कर रहे हैं। सो गूगल पहली बार अपने किसी फोन पर 7 साल के OS अपडेट्स प्रॉमिस कर रहा है। तो ये फोन अभी एंड्रॉइड 14 पर आउट ऑफ द बॉक्स रन कर रहा है, लेकिन 2030 तक आपको इसमें OS अपडेट्स मिलते रहेंगे, विच इज अप टू एंड्रॉइड 21। वैसे गूगल के लिए कुछ ज्यादा मुश्किल था नहीं, बहुत ही आसान था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। वैसे इसमें मुझे कुछ और फीचर्स भी काफी ज्यादा पसंद आए, जैसे कि AI वॉलपेपर्स। इससे पहले इमोजी वॉलपेपर्स भी थे जो पिक्सल में थे, लेकिन AI वॉलपेपर्स इज रियली कूल। यहाँ पर हाँ थोड़ा सा रेजोल्यूशन की मुझे दिक्कत लगी, लेकिन इनसे आप बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा AI मैजिक को इंटीग्रेट करा है गूगल ने, और काफी अच्छे अच्छे क्रिएटिव वॉलपेपर्स आप खुद के लिए बना सकते हैं। और हाँ, इस फोन की हैप्टिक्स बहुत ज्यादा पसंद आए मुझे, बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग फील है। अब यहाँ पर इसको आप फील कर सकते हैं जब आप इसका एंड्रॉइड 14 का जो लोगो है उसे जब इनेबल करते हैं, लॉन्ग प्रेस करते हैं, तो वो जो वाइब्रेशन है वो बिल्ड को आप फील कर सकते हैं। तो हैप्टिक्स आर रियली गुड। सो बात परफॉर्मेंस की हो रही है, तो पिक्सल सीरीज के हीटिंग इश्यूज के बारे में हम कैसे बात नहीं कर सकते। तो सबसे पहले बात करते हैं स्कोर्स की। तो इसने स्कोर्स या बेंचमार्क टेस्ट में बहुत ही ज्यादा गंदा परफॉर्म किया है। एक
मिड रेंज 35,000 का फोन इससे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है व्हेन इट कम्स टू बेंचमार्क स्कोर्स। लेकिन मैंने इस पर BGMI खेली और काफी लंबे ड्यूरेशन के क्लिक लगभग आधे घंटे के लिए पर और गेम प्ले वॉज रियली रियली स्मूथ। आपको कहीं पे भी कोई लैग या जिटर देखने को नहीं मिलता है और नॉर्मल यूसेज में भी फोन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती। बट बेशक फोन थोड़ा सा आपको गर्म फील हो सकता है लेकिन वो अनकंफर्टेबल नहीं होता है और पिक्सल के साथ हम जानते ही हैं कि थोड़ा बहुत गर्म हमेशा ये फोन होता आया है, थोड़ा बहुत अभी भी होता है। बट हाँ, जब आप इस फोन पर फोटोज लेते हैं तो वो प्रोसेसिंग में बहुत ज्यादा टाइम लेता है। मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा AI मैजिक हो रहा है यहाँ पे बैकग्राउंड में, बट हाँ टाइम तो लगता है। मुझे पिक्सल का कैमरा बहुत ज्यादा पसंद है एंड पिक्सल 8 प्रो के साथ भी सेम ही सीन है। यहाँ पर जो आपको 5x टेलीफोटो लेंस मिलता है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट टेलीफोटो लेंस जो मैंने किसी फोन में इस्तेमाल किया है। यहाँ पर आपको मिलता है 48 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस, 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर। अब फोटोज जो है आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं एंड मैं बहुत डिटेल में फोटोज की बात नहीं करूंगा क्योंकि हम सब जानते हैं कि पिक्सल किस तरह से फोटोज को प्रोसेस करता है, तो फोटोज के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे लेकिन फीचर्स के बारे में बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको प्रो कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जैसे कि आप उसमें 50 मेगापिक्सल की डेडिकेटेड फोटोज ले सकते हैं, आपके पास एक्शन पैन, बहुत सारे फीचर्स हैं जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फोटोज की बात मैं ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं इसका डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो बनाना चाहता हूं। अब आप मुझे कमेंट करके बताएं कि अगर मैं इस वीडियो को बनाऊं या कंपैरिजन को बनाऊं तो किस फोन के साथ इसे कंपेयर किया जाए, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फोन के अंदर है 5050 mAh की बैटरी और ये 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है और चार्जर आपको बॉक्स के अंदर नहीं मिलता है क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पर आप चार्जर कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं पिक्सल 7 इससे पहले इस्तेमाल कर रहा था, मैं उसकी बैटरी बैकअप से बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं था। अब इस साइज की बैटरी की बात करें और इसके बैकअप की बात करें तो मैं बहुत ज्यादा होप्स नहीं बांध रहा उसके बैटरी बैकअप के साथ, लेकिन मैंने बहुत डिटेल में टेस्ट नहीं किया, लेकिन आप फिर भी एक दिन का बैटरी बैकअप इस फोन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो भी इसका लॉन्ग टर्म यूसेज होगा मैं डेफिनेटली एक डिटेल रिव्यू में उसको ऐड करूंगा। पिक्सल 8 प्रो की कीमत है 1,07,000 रुपए और ये लास्ट ईयर के पिक्सल 7 प्रो से लगभग 22,000 रुपए महंगा है। अब हमने नोटिस किया कि इस प्राइस पॉइंट पर सभी फोन्स के प्राइसेस बड़े हैं और 1,00,000 रुपए में आपके पास दूसरे जो ऑप्शंस हैं वो है सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 5 जैसे ऑप्शंस जो बेसिकली इसके जैसे कैमरा तो ऑफर नहीं कर सकते लेकिन आपको फ्लिप एक्सपीरियंस डेफिनेटली देते हैं। और अगर आप बजट को थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो आपके पास सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा और iPhone 15 प्रो जैसे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी भी लोग पिक्सल को 1,00,000 रुपए के फोन की तरह तो नहीं देखते हैं और ये फोन 1,07,000 रुपए में सिर्फ 128 GB स्टोरेज के साथ आता है जो इस प्राइस पॉइंट पर तो बहुत ही कम स्टोरेज है। लेकिन जिस हार्डवेयर के साथ ये आता है, जिस तरह का कैमरा सेटअप ये ऑफर करता है, जिस तरह की AI कैपेबिलिटीज ये ऑफर करता है, उस हिसाब से 1,00,000 रुपए जस्टिफाइड हैं मेरे हिसाब से तो। लेकिन आपके हिसाब से क्या इस फोन का 1,07,000 रुपए वाला प्राइस पॉइंट जस्टिफाइड है, सही है? मुझे कमेंट जरूर बताएं। आपके हिसाब से इसका सही प्राइस क्या होना चाहिए था वो भी कमेंट जरूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे थे गोविंद को जागरण हाईटेक पर, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।